रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट मॉलिक्यूल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में एटम के बारे में पढ़ा था और अब हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट कंबाइन डायरेक्टली और केमिकली एंड फॉर्म स्टेबल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, यानी दो या इससे ज़्यादा, दो हों या इससे ज़्यादा एटम हों, जब आप उसमें कोई केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, कोई इंडिविजुअल स्टेबल यूनिट फॉर्म कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल में कुछ यहाँ पे कोट करूँ तो आपको बहुत अच्छा सा क्लियर पे समझ में आ जाएगा। लाइक एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ओजोन मॉलिक्यूल। अब ये देखें, दोनों ऑक्सीजन से बने हुए हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्यों हैं? अगर एक ऑक्सीजन होता तो वो एटम होता, लेकिन यहाँ पे टू ऑक्सीजन है और ये देखें दोनों ने आपस में बॉन्डिंग की हुई है, O2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो ये ऑक्सीजन है। O3 के अगर हम केस में देखें तो तीन ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन है केमिकली, केमिकल बॉन्ड बीच में फॉर्म किया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल होगी। अब ये स्टेबल हो गए, अगर एक ऑक्सीजन होता तो ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है, अनस्टेबल होता। तो ये टू और मोर एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट करें, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो मॉलिक्यूल क्या है? अब ये देखिए, हाइड्रोजन का एटम है, इसके अलावा ये ऑक्सीजन का एटम है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो सब्सटेंस क्या बनाते हैं? वाटर। और एक वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है H2O। यहाँ आपको 2H2O नज़र आ रहा है, वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे जो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल होगा H2O, तो वो भी एक सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट और स्टेबल यूनिट बन जाएगा वाटर का। अब एक और एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल एटम हाइड्रोजन का है, इस हाइड्रोजन एटम में सिंगल एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हमने ऊपर कहा कि टू और मोर एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो जब ये एक हाइड्रोजन है तो वो फिर उस केस में वो मॉलिक्यूल तो नहीं हुआ, वो तो एटम हुआ और वो अनस्टेबल है। लेकिन एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, केमिकली केमिकल बॉन्ड बनाएगा, ये रेड डॉट आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, शेयरिंग पे आ जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद स्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद उनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मीन्स उनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल पे भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो ये रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप सो कि अब आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे।